My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आजकल हम सभी लोग जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या इसी को नई शिक्षा नीति 2020 कहा जा रहा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं, आप सभी लोगों को पता है कि नई या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा बनकर के तैयार हो चुका है। इसकी जो ड्राफ्टिंग है, जो ड्राफ्ट है इसका, प्रिय विद्यार्थियों, वो बनकर तैयार हो चुका है और ये जो है पार्लियामेंट में पेश होगा और उसके बाद पार्लियामेंट से जब यह पास हो जाएगा तो एक अधिनियम या कानून बन जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, तो जब ये अधिनियम बन जाएगा उसके बाद पूरे देश में जो है ये लागू होगा। तो जो ड्राफ्ट बना हुआ है प्रिय विद्यार्थियों, जो मसौदा बना हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, इसी के बारे में हम सभी लोग पिछली कुछ कक्षाओं से, पिछले कुछ वीडियो से चर्चा कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उस सीरीज में सबसे पहले हम सभी लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूल एजुकेशन या विद्यालय शिक्षा के संबंध में जो कुछ बातें कही गई थी उससे रिलेटेड जो है बातें, उन सभी मुद्दों पे हम लोगों ने शॉर्ट में जो है चर्चा किया था, जो हमारा प्रथम वीडियो था इससे रिलेटेड, जो प्रथम कक्षा थी। उसके उपरांत प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने भाग सेकंड जो है, भाग फर्स्ट था स्कूल एजुकेशन, भाग सेकंड जो था वो था हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा, उससे रिलेटेड हमारा अगला कक्षा था, अगली वीडियो थी, जिसमें हम सभी लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों उसको, जो हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा है उसको हम लोगों ने कई टुकड़ों में बांट दिया है अपनी स्टडी के लिए, अपने अध्ययन, अपने अध्ययन के लिए, जिससे कि हम सभी लोग उसका अध्ययन सुचारू रूप से और विस्तृत रूप से कर सकें। तो जो पार्ट वन था प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट वन से अभिप्राय है कि जो पहला वीडियो था हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के ऊपर, कि नई शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में, उच्चतर शिक्षा के संबंध में क्या क्या बातें कही गई हैं, उससे रिलेटेड जो पहला वीडियो था प्रिय विद्यार्थियों, उसमें हम सभी लोगों ने गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय, दैट इज भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया और भविष्य उन्मुखी दृष्टिकोण, दैट इज क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, अ न्यू एंड फॉरवर्ड लुकिंग विजन फॉर इंडियाज हायर एजुकेशन सिस्टम, इस टॉपिक के अंतर्गत बड़े विस्तृत में हम लोगों ने चर्चा किया था। और उसी में हम सभी लोगों ने देखा था कि वर्तमान समय में इंडिया में या भारत में जो हायर एजुकेशन है, उच्चतर शिक्षा प्रणाली है, हायर एजुकेशन के सिस्टम में क्या क्या प्रमुख समस्याएं हैं, और उन प्रमुख समस्याओं के बारे में हम लोगों ने डिटेल में अध्ययन किया था। और उन्हीं प्रमुख समस्याओं को लेकर के न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हायर एजुकेशन के हायर एजुकेशन के मामले में जो कुछ भी नीतियाँ बनाई गई हैं, उन्हीं समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने उन समस्याओं के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद हम सभी लोगों ने एक अगला टॉपिक देखा था फर्स्ट वीडियो में, पहली कक्षा में, दैट वाज संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को याद होगा, हम सभी लोगों ने बड़े विस्तृत रूप से चर्चा किया था। और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने एक नई कक्षा में, नए वीडियो में प्रिय विद्यार्थियों, जिसको हम लोगों ने हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा से रिलेटेड पार्ट टू कहा था, पार्ट टू अर्थात अगली कक्षा जो थी, सेकंड कक्षा या सेकंड वीडियो जो था, उसमें हम सभी लोगों ने होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन या समग्र और बहुविषयक शिक्षा, जो उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, उसके बारे में हम सभी लोगों ने बड़े ही विस्तृत रूप से चर्चा किया है। और इन सभी से रिलेटेड जो कक्षाएं हैं या इन सभी से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप आसानी से सर्च करके जो है उससे रिलेटेड वीडियोज को देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी सीरीज में आज की क्लास में हम सभी लोग जो है पार्ट थर्ड के अंतर्गत हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सीखने का वातावरण व छात्रों की सहयोग, दैट इज लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स से रिलेटेड क्या क्या नीतियाँ बनाई गई हैं या क्या क्या बातें कही गई हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, इसी के बारे में आज की क्लास में, आज की कक्षा में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। परंतु आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों में से और प्रिय साथियों में से
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करके देख पाएं अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप अपनी रुचि के अनुसार। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, यदि वह लाल है तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जितने भी नए वीडियोज आपके कोर्स से रिलेटेड आएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशंस, नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, सहपाठियों के साथ, जिससे कि उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो पे कमेंट्स करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सजेशंस पे, उन सुझावों पर अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और वीडियो पे कमेंट्स भी करिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी आप जल्दी से प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास में जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में ही चर्चा किया है कि आज की क्लास में हम सभी लोग नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसका मसौदा तैयार है, जिसका ड्राफ्ट तैयार है प्रिय विद्यार्थियों, उसमें जो है उच्चतर शिक्षा या हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो बातें कही गई उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसका हायर एजुकेशन का प्रिय विद्यार्थियों ये पार्ट 3 है, और पार्ट 3 में आज की क्लास में, आज की कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग चर्चा करेंगे सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों का सहयोग, दैट इज ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऑप्टिमल लर्निंग एनवायरमेंट्स एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स से रिलेटेड क्या क्या बातें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कही गई हैं, जिससे कि जो सीखने का एनवायरमेंट है, जो है छात्रों के लिए वो इन्वायरमेंट, वो वातावरण क्या हो सके, सर्वोत्तम हो सके, ऑप्टिमम हो सके, ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट्स हो सके, और साथ साथ छात्रों को, स्टूडेंट्स को क्या सपोर्ट दिया जा सकता है या कैसे सपोर्ट दिया जाएगा, इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो कुछ भी कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों, उसके बारे में हम सभी लोग बड़े ही डिटेल में जो है आज चर्चा करेंगे इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। प्रिय विद्यार्थियों, ड्राफ्ट में कहा गया है, मसौदे में कहा गया है कि प्रभावी ढंग से सीखने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जिसमें उपयुक्त पाठ्यक्रम, आकर्षण शिक्षक, आकर्षण शिक्षण, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन और छात्रों का पर्याप्त सहयोग शामिल होता है। इन इंग्लिश, इफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स एप्रोप्रिएट करिकुलम, engaging pedagogy, continuous formative assessment and adequate student support। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020 है, उसका यह मानना है कि जो लर्निंग है, जो सीखना है प्रिय विद्यार्थियों, जो सीखना तभी प्रभावी होगा, अर्थात प्रभावी ढंग से सीखने के लिए जरूरी है कि एक व्यापक दृष्टिकोण हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बनाने वालों ने यह माना है कि इफेक्टिव लर्निंग तभी होगी जब क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होगा, अर्थात व्यापक दृष्टिकोण होगा। और उस व्यापक दृष्टिकोण के लिए प्रिय विद्यार्थियों क्या है,
उस व्यापक दृष्टिकोण के लिए आवश्यक है कि जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, वो क्या हो, एप्रोप्रिएट करिकुलम हो या उपयुक्त पाठ्यक्रम हो। साथ ही साथ जो हमारा शिक्षण की प्रक्रिया है, जो पेडागोजी है, जो शिक्षण विज्ञान है प्रिय विद्यार्थियों, वो भी क्या हो, आकर्षक हो, अट्रैक्टिव हो, इंगेजिंग हो, अर्थात छात्रों को इंगेज कर सके, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्ष के अंत में मूल्यांकन पर जोर नहीं देता, बल्कि किस पर जोर देता है, कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन पर। और वो इवेल्युएशन कैसा होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, वो इवेल्युएशन जो है होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो कहता है कि जो मूल्यांकन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए, दैट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए। और साथ ही साथ छात्रों को पर्याप्त सहयोग भी मिलना चाहिए, एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की ड्राफ्ट तैयार है, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि इफेक्टिव लर्निंग या प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आवश्यक है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को अपनाया जाए, व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया जाए, या व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच या व्यापक दृष्टिकोण तभी विकसित होगा जब क्या हो, उपयुक्त पाठ्यक्रम हो, दैट इज एप्रोप्रिएट करिकुलम हो, जो हमारा पेडागोजी हो, इंगेजिंग पेडागोजी या आकर्षण शिक्षण हो, निरंतर रचनात्मक मूल्यांकन हो, दैट इज कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट का कार्य किया जाए, और साथ ही साथ छात्रों को पर्याप्त सहयोग भी मिले, दैट इज एडिक्वेट स्टूडेंट सपोर्ट भी मिलना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम रोचक और प्रासंगिक होना चाहिए, जिसे समय समय पर अद्यतन करते रहना चाहिए, जिससे ज्ञान की नवीन आवश्यकताओं व सीखने के प्रतिफलों को प्राप्त किया जा सके। इन इंग्लिश, द करिकुलम मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट एंड अपडेटेड रेगुलरली टू अलाइन विद द लेटेस्ट नॉलेज रिक्वायरमेंट्स एंड टू मीट स्पेसिफाइड लर्निंग आउटकम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, जो करिकुलम होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग एंड रिलेवेंट। अर्थात जो हमारा पाठ्यक्रम हो, जो पाठ्यक्रम या करिकुलम छात्रों को दिया जाए, छात्रों के लिए निर्धारित किया जाए, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक होना चाहिए, और साथ ही साथ छात्रों के लिए रिलेवेंट भी होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रासंगिक भी होना चाहिए। और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और बात कही गई है कि जो करिकुलम तैयार कर दिया जाए, उस करिकुलम में अपडेशन रेगुलरली होना चाहिए, दैट इज उसको समय समय पर अपडेट किया जाना चाहिए, अद्यतन करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रिय विद्यार्थियों, जब करिकुलम को रेगुलरली अपडेट किया जाएगा समय समय पर, या नियमित जो है उसको, उसका अद्यतन होगा, अपडेशन होगा, तो जो ज्ञान की नवीन आवश्यकताएं हैं और सीखने के जो प्रतिफल हैं वो प्राप्त हो सकेंगे। अर्थात जो लेटेस्ट नॉलेज है प्रिय विद्यार्थियों, वो लेटेस्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पाएगी, और साथ ही साथ इट मस्ट बी स्पेसिफाइड लर्निंग आउटकम्स, अर्थात जो लर्निंग आउटकम्स होगा वो भी क्या होगा, इफेक्टिव होगा, सीखने का जो प्रतिफल होगा वो भी हमें प्राप्त हो पाएगा। और ऐसा कब होगा, जब हमारा करिकुलम, जब हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, और छात्रों के लिए उपयोगी होगा, प्रासंगिक होगा, रिलेवेंट होगा, और साथ ही साथ जो पाठ्यक्रम है वो रेगुलरली अपडेट होता रहे, अद्यतन होता रहे, तभी जो है सीखना प्रभावी होगा और सीखने का प्रतिफल प्राप्त हो सकेगा। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा छात्रों तक पाठ्यक्रम सामग्री को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण के इन तरीकों से छात्रों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं, जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इसके पहले हम सभी लोगों ने करिकुलम पे चर्चा किया, और अब जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति में जो बात कही गई है उसमें किस पर जोर है प्रिय विद्यार्थियों, करिकुलम के बाद पेडागोजी पर जोर है। इसमें कहा गया है कि हाई क्वालिटी पेडागोजी इज देन नेसेसरी टू सक्सेसफुली इम्पार्ट द करिकुलर मटेरियल टू स्टूडेंट्स। Pedagogical practices determine the learning experiences that are provided to students, thus directly influencing learning outcomes. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हमारा करिकुलम जो है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जब वो रिलेवेंट होगा, इंटरेस्टिंग होगा और रेगुलरली अपडेट होता रहेगा, तो उसके बाद यह आवश्यक है कि जो शिक्षण की तकनीक है प्रिय विद्यार्थियों, जो पेडागोजी है,
वो भी क्या होना चाहिए, वो भी प्रभावशाली होना चाहिए। कहा गया है कि उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा, अर्थात जो हमारा शिक्षण विधा हो, पढ़ाने का तरीका, वो क्या होना चाहिए, उच्चतर गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा छात्रों तक पाठ्यक्रम सामग्री को सफलतापूर्वक ले जाने के लिए आवश्यक है। तो कहने का अभिप्राय है प्रिय विद्यार्थियों कि जब तक हमारी पेडागोजी जो है वो हाई क्वालिटी की पेडागोजी नहीं होगी, तब तक करिकुलम को कितना भी हम रिलेवेंट बना ले, अपडेट करते रहें करिकुलम को, लेकिन वो छात्रों तक पहुंच नहीं पाएगी। छात्रों तक जो है वो जो है करिकुलम या करिकुलम का जो भी मैटर है, जो भी ज्ञान है, जो पाठ्यक्रम सामग्री है, वो सफलतापूर्वक छात्रों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए हाई क्वालिटी पेडागोजी या उच्च शिक्षण विधा की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, न्यू करिकुलम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि शिक्षण के इन तरीकों से छात्रों के सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं, जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो हमारा पेडागोजी होता है, वो पेडागोजी जो है सीखने के अनुभव जो है उसी पर निर्धारित होते हैं, अर्थात जो शिक्षण की विधा है, जो पढ़ाने का तरीका है, जो टीचिंग की टेक्निक है, उसी के ऊपर जो सीखने का एक्सपीरियंस है, सीखने का अनुभव निर्धारित होता है। पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस डिटरमाइन द लर्निंग एक्सपीरियंसेस दैट आर प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स, दस डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस लर्निंग आउटकम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, सीखने के अनुभव निर्धारित होते हैं, जो कि सीधे ही सीखने के प्रतिफलों पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह से स्पष्ट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस दिया गया है वो करिकुलम को या पाठ्यक्रम को दिया गया है। उसके उपरांत कहा गया है कि करिकुलम या पाठ्यक्रम का ट्रांजैक्शन तब तक इफेक्टिवली नहीं हो सकता है जब तक कि हमारा पेडागोजी के जो है वो उच्च गुणवत्ता वाली हो या हाई क्वालिटी वाली हो। तो इसलिए हाई क्वालिटी पेडागोजी या उच्चतर गुणवत्ता वाली शिक्षण विधा की आवश्यकता होगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एवेल्युएशन की, असेसमेंट की। तो आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए, जो कि सीखने में लगातार सुधार व ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में भी चर्चा किया कि जो असेसमेंट होना चाहिए, द असेसमेंट शुड बी फॉर्मेटिव असेसमेंट और इवेल्युएशन शुड बी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। इन इंग्लिश, द असेसमेंट मेथड्स मस्ट बी साइंटिफिक, डिजाइन टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव लर्निंग एंड टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि जो असेसमेंट का तरीका हो, जो मूल्यांकन का तरीका हो, जो आकलन का तरीका हो, इट मस्ट बी साइंटिफिक, यह वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, और साथ ही साथ जो इसका उद्देश्य होना चाहिए, वो उद्देश्य क्या होना चाहिए, इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, अर्थात इसका जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सुधारात्मक होना चाहिए। उसमें जो मूल्यांकन हो, जो आकलन हो, उसका उद्देश्य जो है छात्रों के ज्ञान में सुधार लाना होना चाहिए। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सीखने में लगातार सुधार व ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए, अर्थात जो हमारा टेस्ट हो, जो इवेल्युएशन हो, जो मूल्यांकन हो, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि छात्रों के सीखने में सुधार हो और ज्ञान में अपडेशन हो, ज्ञान के प्रयोग में सुधार होना चाहिए। तो फिर विद्यार्थियों, द असेसमेंट जो टूल्स हैं, जो इवेल्युएशन टूल्स हैं, इवेल्युएशन मेथड्स हैं, इट मस्ट बी डिजाइन टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव लर्निंग एंड टेस्ट द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका एप्लीकेशन छात्र कैसे कर पाता है, वह अपने जीवन में उन ज्ञान का प्रयोग कैसे कर पाता है, इसका टेस्ट करने पर बल होना चाहिए। ज्ञान को प्रदान कर देना, अर्थात किसी ज्ञान को प्रदान कर देना और उसी ज्ञान के बारे में पूछ लेना जो है इवेल्युएशन या मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, जो इसका उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए एप्लीकेशन लेवल का, कि किसी नॉलेज को, किसी ज्ञान को या किसी स्किल को जो है छात्रों को दिया गया, तो उस ज्ञान का, उस स्किल का, उस कौशल का प्रयोग छात्र कितना कर पा रहा है, एक तो यह उद्देश्य होना चाहिए, और दूसरा होना चाहिए कि जो छात्रों की सीखने का तरीका, उस सीखने में नियमित या लगातार कैसे सुधार हो, यह जो है आकलन का, असेसमेंट का उद्देश्य होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए, जो कि सीखने में लगातार सुधार व ज्ञान के प्रयोग के परीक्षण के लिए बने होने चाहिए। द असेसमेंट मेथड्स
must be scientific, designed to continuously improve learning and test the application of knowledge. चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अंत में कुछ ऐसी क्षमताएं जो कि छात्रों की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं, जैसे फिटनेस, अच्छा स्वास्थ्य, मनोसामाजिक कल्याण, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार आदि का भी विकास गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए महत्वपूर्ण है. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब पेडागोजी की बात हो गई, करिकुलम की बात हो गई, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन की बात हो गई, तो उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसको हम लोग कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, अर्थात उसके फिजिकल फिटनेस की या फिजिकल डेवलपमेंट की, इमोशनल डेवलपमेंट की, उसके हेल्थ के बारे में, इन सभी के बारे में, उसके मॉरल डेवलपमेंट के बारे में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है. प्रिय विद्यार्थी, इसमें कहा गया है कि लास्ट बट नॉट लीस्ट द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज दैट प्रमोट स्टूडेंट्स वेलनेस सच इज फिटनेस, गुड हेल्थ, साइको सोशल वेल बींग एंड साउंड एथिकल ग्राउंडिंग आर ऑल्सो क्रिटिकल फॉर हाई क्वालिटी लर्निंग. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाई क्वालिटी लर्निंग के लिए, जिसको हम लोग हाई क्वालिटी लर्निंग करें प्रिय विद्यार्थियों, तो हाई क्वालिटी लर्निंग के लिए जो है यह आवश्यक है कि छात्रों के अंदर जो क्षमताएं होती हैं, जो क्षमताएं, ऐसी क्षमताएं जो छात्रों की बेहतरी के लिए आवश्यक हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन क्षमताओं का भी विकास होना चाहिए. जैसे छात्रों की बेहतरी के लिए जो आवश्यक क्षमताएं हैं प्रिय विद्यार्थी, उसमें क्या होता है, छात्रों का फिजिकल फिटनेस होता है. तो स्टूडेंट्स वेलनेस दैट इज फिटनेस, कैपेसिटीज दैट प्रमोट्स स्टूडेंट्स वेलनेस दैट इज फिटनेस, गुड हेल्थ या अच्छा स्वास्थ्य, मनोसामाजिक कल्याण या साइको सोशल वेलबींग, बेहतर नैतिक मूल्यों का आधार दैट इज साउंड एथिकल ग्राउंडिंग आर आल्सो क्रिटिकल फॉर हाई क्वालिटी लर्निंग. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट रूप से कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि हाई क्वालिटी लर्निंग के लिए, अर्थात उच्च गुणवत्ता परक जो है अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनका फिजिकल फिटनेस अच्छा हो, उनका जो मनोसामाजिक कल्याण है या साइको सोशल वेलबींग हो सके, जो मनोसामाजिक परिस्थितियां हैं वो भी अच्छी हो, और साथ ही साथ उनका मॉरल डेवलपमेंट या उनका नैतिक मूल्यों का आधार भी अच्छा हो, साउंड एथिकल ग्राउंडिंग भी होनी चाहिए. तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सभी चीज़ों पर या इन सभी पहलुओं पर भी बल दिया गया है. चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अगले पॉइंट में कहा गया है कि अतः पाठ्यक्रम, अध्यापन, निरंतर मूल्यांकन और छात्रों की मदद गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने के लिए आधारशिला हैं. ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि करिकुलम, पेडागोजी, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट आर दस द कॉर्नर स्टोन्स फॉर क्वालिटी लर्निंग. तो प्रिय विद्यार्थियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो सीखने की प्रमुख आधारशिलाएं हैं, जिसको कहा जा रहा है कि कॉर्नर स्टोन्स फॉर क्वालिटी लर्निंग है, गुणवत्तापूर्ण ढंग से सीखने की जो आधारशिला है प्रिय विद्यार्थियों, कॉर्नर स्टोन्स फॉर क्वालिटी लर्निंग है, वो सबसे पहले क्या है, हमारा पाठ्यक्रम है या करिकुलम है, उसके बाद जो पेडागोजी है या अध्यापन या शिक्षण विधि है, देन कंटिन्यूअस असेसमेंट या निरंतर मूल्यांकन है, और उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट या छात्रों की मदद है. तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम पर बल दिया गया है, पेडागोजी या अध्यापन पर बल दिया गया है, कंटिन्यूअस असेसमेंट या सतत मूल्यांकन है जिसको हम लोग निरंतर मूल्यांकन करते हैं, उस पर बल दिया गया, और साथ ही साथ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज या छात्रों की मदद या छात्रों की सहायता पर भी बल दिया गया है. प्रिय विद्यार्थियों, इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि इन आवश्यक बिंदुओं को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा संसाधन जैसे बेहतरीन पुस्तकालय, कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएं, प्रौद्योगिकी, खेल मनोरंजन के स्थान, छात्रों के संवाद हेतु स्थान और भोजन के लिए स्थान आदि प्रदान करने के साथ साथ इन मामलों पर कई पहल करने की आवश्यकता होगी, जिससे सीखने का वातावरण आकर्षण और सहायक बनाया जा सके और सभी छात्रों को सफल होने के लिए सक्षम बनाया जा सके. तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा जा रहा है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट या सीखने का वातावरण है, उसको आकर्षक बनाने के लिए और उसको सहायक बनाने के लिए, और साथ ही साथ जो छात्रों की सफलता है उसको बढ़ाने के लिए, छात्रों को सफल होने के लिए, सक्षम बनाने के लिए, उन्होंने कहा कि कुछ बुनियादी ढांचा या संसाधन हैं
जिनमें बेहतरी लाने का प्रयास हमें करना पड़ेगा, जिसमें सुधार लाने का प्रयास करना पड़ेगा। और उन बुनियादी ढांचाओं में उन्होंने क्या कहा कि जैसे हो सकता है कि लाइब्रेरी या पुस्तकालय, बेहतरीन पुस्तकालय हो सकता है, बेहतरीन कक्षा कक्ष होगा, बेहतरीन प्रयोगशालाएँ होंगी, या प्रौद्योगिकी या खेल मनोरंजन का स्थान, छात्रों के संवाद युक्त स्थान और भोजन के लिए स्थान, इस तरह से जो बुनियादी ढांचाएँ हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन बुनियादी ढांचाओं को जो है महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एक अच्छा गुणवत्ता परक जो है बुनियादी ढांचा क्रिएट करने का प्रयास जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा किया जाएगा, कि जो उपयुक्त बुनियादी ढांचाएँ हैं या उपयुक्त बुनियादी ढांचा या संसाधनों का विकास जो है महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कि अलॉन्ग विथ प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज क्वालिटी लाइब्रेरीज, क्लासरूम, लैब्स, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट रिक्रिएशन एरियाज, स्टूडेंट डिस्कशन स्पेसेज एंड डाइनिंग एरियाज टू सपोर्ट दिज नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स विल बी रिक्वायर्ड ऑन दीज मैटर्स टू इंश्योर दैट लर्निंग एनवायरमेंट्स आर एंगेजिंग एंड सपोर्टिव एंड इनेबल्स ऑल स्टूडेंट्स टू सक्सीड। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि एक सबसे पहले तो हमको जो है सुटेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमको डेवलप करना पड़ेगा सभी विश्वविद्यालयों में। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत हो सकता है कि जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, क्लासरूम की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, लैबोरेटरीज की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको इम्प्रूव किया जाए, साथ ही साथ स्पोर्ट और रिक्रिएशन एरियाज की स्थापना की जाए, स्टूडेंट डिस्कशन स्पेसेज की स्थापना की जाए और साथ ही साथ टाइनिंग एरियाज की भी स्थापना की जाए। तो सुटेबल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात जो है उपयुक्त बुनियादी ढांचा, संसाधन, इन सबको प्रदान करने के साथ साथ ही यह भी आवश्यक होगा कि हम विद्यालयों का जो वातावरण है, जो विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का वातावरण है, उसको और भी आकर्षक बनाएं, उसको और भी छात्रों के लिए जो है सपोर्टिव बनाने की आवश्यकता होगी। और इसके लिए हमें ढेर सारे जो है कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से देख लेते हैं, इंग्लिश में कहा गया कि अलोंग विद प्रोवाइडिंग सुटेबल रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट दीज नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स, अ नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स विल बी रिक्वायर्ड ऑन दीज मैटर्स टू इंश्योर दैट लर्निंग एनवायरमेंट्स आर एंगेजिंग। ध्यान दीजिएगा, लर्निंग एनवायरमेंट्स आर एंगेजिंग। प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग एनवायरमेंट्स आर एंगेजिंग एंड सपोर्टिव एंड इनेबल ऑल स्टूडेंट्स टू सक्सीड। प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग एनवायरमेंट को जो है हमें एंगेजिंग बनाने के लिए, सहायक बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए और साथ ही साथ सपोर्टिव बनाने के लिए और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है कि ढेर सारे हमें जो है प्रयास करने होंगे। जो उपयुक्त बुनियादी ढांचाएं हैं उनको प्रदान करना पड़ेगा, संसाधनों का विकास महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में करना पड़ेगा। इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है कि सबसे पहले हमें उच्चतर शिक्षा का के व्यापक ढांचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्तता देनी होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूर शिक्षा दैट इज ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन और पारंपरिक कक्षा कक्ष शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से जो है महत्वपूर्ण बिंदु स्टार्ट हो रहे हैं और सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला बिंदु न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है, उसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है कि उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढांचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए, ध्यान दीजिएगा कि जो रचनात्मकता की हम लोग बात करते हैं, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, कहा गया है कि रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को, अर्थात जो भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ की जो फैकल्टीज है, जो संस्थान है या संकाय हैं, उनको सबसे पहले अपने करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम पर ध्यान देना होगा, पेडागोजी अर्थात शिक्षण विधि पर, और जो इवेल्युएशन या असेसमेंट के तरीके, जो आकलन है, उन सभी में क्या करना होगा, नवाचार करने की स्वायत्तता देनी होगी। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, नवाचार की ऑटोनॉमी देनी होगी, ऑटोनॉमी टू इनोवेट जो है, या ऑटोनॉमी इनोवेशन के लिए उनको ऑटोनॉमी देनी होगी, नवाचार करने के लिए उनको स्वायत्तता देनी होगी, स्वतंत्रता देनी होगी। और यह स्वतंत्रता प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए कहा गया है कि जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों और सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा
ऑनलाइन और पारस्परिक कक्षा का शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। तो जिस ऑटोनॉमी की बात की जा रही है विद्यार्थियों, जिसमें कहा जा रहा है कि नवाचार करने की स्वायत्तता अर्थात इनोवेशन की जो ऑटोनॉमी दी जाएगी, वह इनोवेशन की ऑटोनॉमी सभी संस्थानों में होगी, सभी कार्यक्रमों में होगी, और यहाँ तक कि जो मुक्त दूरस्थ शिक्षा या ODL मोड से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहाँ भी होगी, जो ऑनलाइन मोड से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहाँ भी होगी, और साथ ही साथ जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण है वहाँ पर भी सभी जगह समान रूप से ये इसको सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यक्रम में, शिक्षण विधि में और आकलन के तरीकों में संस्थानों और संकायों को ऑटोनॉमी प्रदान की जाए, स्वायत्तता प्रदान की जाए। फिर विद्यार्थी इंग्लिश में कहा गया है कि फर्स्ट इन ऑर्डर टू इनेबल क्रिएटिविटी इंस्टीट्यूशंस एंड फैकल्टी विल हैव द ऑटोनॉमी टू इनोवेट ऑन मैटर्स ऑफ करिकुलम पेडागॉजी एंड असेसमेंट विद इन अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दैट इंश्योर्स कंसिस्टेंसी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स एंड अक्रॉस द ODL ऑनलाइन एंड द ट्रेडिशनल इन क्लास मोड्स। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन ऑर्डर टू इनेबल क्रिएटिविटी, जो संस्थान है उसमें क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के लिए इंस्टीट्यूशन और फैकल्टी को क्या देना होगा, हैव टू हैव द ऑटोनॉमी टू इनोवेट, अर्थात इनोवेशन के लिए, नवाचार के लिए उनको ऑटोनॉमी प्रदान करनी होगी। ऑन मैटर ऑफ करिकुलम, करिकुलम के मैटर पे अर्थात पाठ्यक्रम के मैटर पे, पेडागॉजी या शिक्षण विधि या जो शिक्षण का तरीका है उस पर भी विद्यार्थियों इनको ऑटोनॉमी देनी होगी, और साथ ही साथ जो असेसमेंट का तरीका है, मूल्यांकन का तरीका या आकलन का तरीका है उस पर जो है इनको ऑटोनॉमी देनी होगी। असेसमेंट विधि ने ब्रॉड फ्रेमवर्क और हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दैट इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स एंड अक्रॉस द ODL ऑनलाइन एंड द ट्रेडिशनल इन क्लास मोड्स। तो इस प्रकार से सभी संस्थानों को जो है इनोवेशन के लिए ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो शिक्षण विधि में, आकलन में या पाठ्यक्रम में नवाचार करने के लिए स्वतंत्र हैं या स्वायत्त हैं। प्रिय विद्यार्थियों कहा गया है कि छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को रचा जाएगा, और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा जा रहा है कि छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि को रचा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि को रचा जाएगा, अर्थात जो पाठ्यक्रम या करिकुलम और शिक्षण की जो विधा है विद्यार्थियों या पेडागॉजी है, इसका डिजाइन जो है इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाएगा, और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए रचनात्मक आकलन का भी उपयोग किया जाएगा। तो रचनात्मक आकलन और साथ ही साथ पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा में रचनात्मकता के लिए जो संस्थान है, जो संकाय है, उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। अकॉर्डिंगली करिकुलम एंड पेडागॉजी विल बी डिजाइन बाय इंस्टीट्यूशंस एंड मोटिवेटेड फैकल्टी। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा करिकुलम होगा और पेडागॉजी होगा वो जो है मोटिवेटेड फैकल्टी के द्वारा डिजाइन किया जाएगा। तो इट विल बी डिजाइन बाय इंस्टीट्यूशंस एंड मोटिवेटेड फैकल्टी टू इंश्योर स्टिमुलेटिंग एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, अर्थात सभी छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, सभी छात्रों को मोटिवेट करने के लिए और उनको जो है शिक्षण से जोड़े रखने के लिए, अधिकम से जोड़े रखने के लिए जो है जो मोटिवेटेड फैकल्टी होंगी उनके द्वारा करिकुलम और पेडागॉजी को डिजाइन किया जाएगा। एंड कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी यूज्ड फॉर टू फर्दर द गोल्स ऑफ ईच प्रोग्राम। तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, और एक नई बात जो है वो क्या है कि कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल दिया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल दिया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट विल बी यूज टू फर्दर द गोल्स ऑफ ईच प्रोग्राम, अर्थात रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर रचनात्मक आकलन से क्या अभिप्राय है, सतत मूल्यांकन या कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी तय की जाएंगी जिनमें अंतिम रूप से प्रमाणन भी शामिल होगा। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि ऑल असेसमेंट सिस्टम शैल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट।
इंक्लूडिंग दोज दैट लीड टू फाइनल सर्टिफिकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों फिर ध्यान दीजिएगा कि जैसा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऑटोनॉमी या स्वायत्तता की बात की गई है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या उच्चतर शिक्षण संस्थान है उन संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी तय की जाएंगी, अर्थात जो मूल्यांकन प्रणालियां हैं, असेसमेंट सिस्टम है, इसका भी डिसीजन जो है उच्च शिक्षण संस्थान या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा, अर्थात इसके लिए उनके पास ऑटोनॉमी होगी। और जिसमें जो है प्रिय विद्यार्थियों जो सर्टिफिकेशन है, जो प्रमाणीकरण है प्रिय विद्यार्थियों, फाइनल सर्टिफिकेशन या अंतिम से जो प्रमाणन भी है वो भी शामिल होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से देखिए स्पष्ट है कि जितने भी संस्थान होंगे उन सभी शिक्षण संस्थान द्वारा मूल्यांकन की प्रणालियां तय की जाएंगी और अंत में जो सर्टिफिकेशन या प्रमाणन भी है उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाएगा, इसके लिए उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी। आगे कहा गया है विद्यार्थियों कि नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, जिसको हम लोग CBCS कहते हैं विद्यार्थियों, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं CBCS, तो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली को संशोधित किया जाएगा। वर्तमान में आप सभी लोग जान रहे हैं कि कहीं कहीं पर CBCS सिस्टम चल रहा है, तो जो CBCS सिस्टम चल रहा है प्रिय विद्यार्थियों उसमें भी क्या किया जाएगा, संशोधन। कहा गया है कि द चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विल बी रिवाइज्ड लीविंग प्लेंटी ऑफ रूम फॉर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि नवाचार और लचीलापन लाने के लिए, तो नवाचार और लचीलापन लाने के लिए दैट इज रिवाइज्ड लीविंग प्लेंटी ऑफ रूम फॉर इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, अर्थात इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी या नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली दैट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जिसको CBCS हम लोग कह रहे हैं, इसमें संशोधन होगा, इसमें रिवीजन का कार्य भी किया जाएगा। तो इस तरह से विद्यार्थियों असेसमेंट के लिए कहा गया है कि जो CBCS सिस्टम लागू किया गया है वर्तमान समय में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम या विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली सिस्टम जो है, इसमें भी नवाचार और लचीलापन दैट इज इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए रिविजन किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उच्चतर शिक्षण संस्थान एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन करेगा, जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और परिणाम अधिक तुलनीय होंगे। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शैल मूव टू क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम दैट असेसेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट बेस्ड ऑन द लर्निंग गोल्स फॉर ईच प्रोग्राम, मेकिंग द सिस्टम फेयरर एंड आउटकम्स मोर कंपेरेबल। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारी वर्तमान प्रणाली है असेसमेंट की, मूल्यांकन की, उस प्रणाली को निष्पक्ष बनाने के लिए बात की जा रही है कि प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और जो परिणाम हो हमारे तुलनीय हो, दैट इज मेकिंग द सिस्टम फेयरर एंड आउटकम्स मोर कंपेरेबल। तो इसके लिए कहा गया है कि जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है वे एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है कि वे क्या करेंगे, मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली का निर्माण करेंगे, अर्थात हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल मूव टू क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम दैट असेसेस स्टूडेंट्स अचीवमेंट बेस्ड ऑन द लर्निंग गोल्स फॉर ईच प्रोग्राम। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली या क्राइटेरिया बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम का निर्माण किया जाएगा जो प्रत्येक प्रोग्राम या प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन या असेसमेंट या इवेल्युएशन का कार्य करेगा, जिससे जो इवेल्युएशन सिस्टम है, असेसमेंट सिस्टम है या मूल्यांकन प्रणाली है वो क्या हो सके, वो ज़्यादा या अधिक फेयर हो सके, निष्पक्ष हो सके और साथ ही साथ परिणाम जो उसके आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं वो कंपेरेबल हो सके, तुलनीय, अधिक तुलनीय या मोर कंपेरेबल हो सके। जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उच्चतर शिक्षण संस्थान भी हाई स्टेक परीक्षाओं से और अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शैल आल्सो मूव अवे फ्रॉम हाई स्टेक्स एग्जामिनेशंस टुवार्ड्स मोर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया कि उच्चतर शिक्षण संस्थान जो है वो हाई स्टेक परीक्षाओं से, अर्थात जो वर्तमान समय में हाई स्टेक परीक्षाएं चल रही हैं जिसमें जो है कहीं कहीं पे एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम है और परीक्षाओं पर जोर है,
तो वो जो हाई और साल भर में एक परीक्षाएं होती हैं, दो परीक्षाएं होती हैं, और उन्हीं परीक्षाओं के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन कर दिया जाता है, उसको हम लोग हाई स्टेक्स एग्जामिनेशन या हाई स्टेक परीक्षाएं कह रहे हैं। तो कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि उच्चतर शिक्षण संस्थान भी हाई स्टेक परीक्षाओं से और अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे, अर्थात जोर किस पर होगा, मोर कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन पर जोर होगा। तो आने वाले समय में विद्यार्थियों जितने भी कार्यक्रम या प्रोग्राम होंगे उच्चतर शिक्षण संस्थान में चलेंगे, उन सभी संस्थानों में जो मूल्यांकन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन, अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगली जो बात कही गई है, जो सेकेंड पॉइंट है, वो कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान अपनी बृहद संस्थागत विकास योजना दैट इज आईडीपी में शैक्षिक योजनाओं को पाठ्यक्रम सुधार से लेकर कक्षा कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान को एकीकृत करेगा। इन इंग्लिश सेकेंड, ईच इंस्टीट्यूशन विल इंटीग्रेट इट्स अकेडमिक प्लान्स रेंजिंग फ्रॉम करिकुलर इंप्रूवमेंट टू क्वालिटी ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन इंटू इट्स लार्जर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान दैट इज IDP। तो प्रिय विद्यार्थियों IDP क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान हो गया। इसमें कहा गया जो सेकेंड पॉइंट, उसमें कहा गया कि प्रत्येक संस्थान अपनी बृहद संस्थागत विकास योजना दैट इज इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान में शैक्षिक योजनाओं को पाठ्यक्रम में सुधार से लेकर कक्षा कक्ष के गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान को एकीकृत करेगा, अर्थात जो करिकुलम की हम लोग बात प्रारंभ में कर रहे थे तो उस करिकुलम या पाठ्यक्रम सुधार से लेकर के क्लासरूम टीचिंग या कक्षा कक्ष की गुणवत्तापूर्ण आदान प्रदान को सभी को इंटीग्रेट किया जाएगा। दैट इज ईच इंस्टीट्यूशन विल इंटीग्रेट्स इट्स एकेडमिक प्लान्स, अर्थात एकेडमिक प्लान्स में इट्स रेंजिंग फ्रॉम करिकुलर इंप्रूवमेंट टू क्वालिटी ऑफ क्लासरूम ट्रांजेक्शन। तो क्लासरूम ट्रांजेक्शन कैसे हो, करिकुलम इंप्रूवमेंट कैसे हो, करिकुलम इंप्रूवमेंट से लेकर के क्लासरूम ट्रांजेक्शन तक सभी को एकीकृत या इंटीग्रेट करने का प्रयास जो है नई शिक्षा नीति में कहा गया है, और इसी को कहा गया है प्रिय विद्यार्थियों बृहद संस्थागत विकास, या जिसको हम लोग जो प्रिय विद्यार्थियों इंस्टीट्यूट डेवलप लार्जर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान या IDP भी कह रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों। तो इस तरह से बृहद संस्थागत विकास योजना या IDP के द्वारा पाठ्यक्रम सुधार से लेकर के कक्षा कक्ष में जो ट्रांजेक्शन है, करिकुलम का ट्रांजेक्शन या टीचिंग है या पेडागोजी जो है, उन सभी में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जाएगा और उन सभी को एकीकृत करने पर बल दिया जाएगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होगा। प्रिय विद्यार्थियों जिसको हम लोग ऑलराउंड डेवलपमेंट भी कहते हैं या होलिस्टिक डेवलपमेंट कहा जा सकता है। तो कहा गया है कि प्रत्येक संस्थान जितने भी इंस्टीट्यूशन होंगे वे छात्रों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध होंगे, और इसके लिए एक ऐसी आंतरिक प्रणाली बनाई जाएगी या बनाएगा जो विविध प्रकार के छात्र समूहों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करेगा, और इसके लिए कक्षा के भीतर और बाहर औपचारिक और साथ-साथ औपचारिक एकेडमिक बातचीत को सुनिश्चित किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों कहा गया है कि ईच इंस्टीट्यूशन विल बी कमिटेड टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अर्थात जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र हैं, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो है सभी संस्थान या सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान जो है प्रतिबद्ध होंगे, कमिटेड होंगे। और सांसद कहा गया प्रिय विद्यार्थियों ईच इंस्टीट्यूशन विल कमिटेड टू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्रिएट स्ट्रॉन्ग इंटरनल सिस्टम्स फॉर सपोर्टिंग डाइवर्स स्टूडेंट्स कोहर्ट्स इन एकेडमिक एंड सोशल डोमेन। ध्यान दीजिएगा दो चीजें कही जा रही है, एक तो एकेडमिक डोमेन की बात की जा रही है और साथ ही साथ सोशल डोमेन की भी बात की जा रही है, अर्थात छात्रों को एकेडमिक के साथ साथ सोशल डोमेन अर्थात शैक्षणिक और सामाजिक दोनों क्षेत्र में सहयोग करने की बात की जा रही है कि सभी जो संस्थान है वे छात्रों का शैक्षणिक और सामाजिक दोनों क्षेत्र में सहयोग करेंगे। That create strong internal systems for supporting diverse students cohorts in academic and social domains. तो academic और social दोनों domains में छात्रों का सहयोग करने के लिए सभी संस्थान प्रतिबद्ध होंगे, both inside and outside formal academic interaction in the classroom. और यहाँ पे एक बड़ी बात कही गई है प्रिय विद्यार्थियों कि सिर्फ और सिर्फ कक्षा के भीतर ही नहीं, कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर औपचारिक एकेडमिक बातचीत को सुनिश्चित किया जाएगा, अर्थात इनसाइड द क्लासरूम
or outside the classroom, inside and outside formal academic interactions in the classroom. तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर हर जगह जो है प्रत्येक संस्थान प्रतिबद्ध होगा कि छात्रों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग प्रदान करे, एक ऐसी व्यवस्था बनाए, एक ऐसी आंतरिक प्रणाली बनाएगा जिससे विभिन्न प्रकार के छात्र समूहों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग मिल सके, प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए कहा गया है विद्यार्थियों कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में छात्रों द्वारा संकाय व अन्य विशेषज्ञों की मदद से विषय आधारित क्लब और गतिविधियां जैसे कि विज्ञान, गणित, कविता, भाषा, साहित्य, वाद विवाद, संगीत, खेल आदि के लिए समर्पित क्लब व कार्यक्रम के आयोजन के लिए अवसर व वित्त की व्यवस्था की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल हैव मैकेनिज्म एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर फंडिंग ऑफ टॉपिक सेंटर्ड क्लब्स एंड एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ फैकल्टी एंड अदर एक्सपर्ट्स एज नीडेड, सच एज क्लब्स एंड इवेंट्स डेडिकेटेड टू साइंस, मैथमेटिक्स, पोइट्री, लैंग्वेज, लिटरेचर, डिबेट, म्यूजिक, टेबल टेनिस एक्स्ट्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक उदाहरण भी दिया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है कि कैसे जो है सभी संस्थान, उच्चतर शिक्षण संस्थान एक आंतरिक प्रणाली विकसित करेंगे जो छात्रों को शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग प्रदान करेंगे। तो उसके लिए एक उदाहरण बताया गया है कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के द्वारा छात्रों द्वारा संकाय व अन्य विशेषज्ञों की मदद से, ध्यान दीजिएगा, संकाय और अन्य विशेषज्ञों की मदद से विषय आधारित क्लब और गतिविधियों की स्थापना की जा सकती है, गतिविधियां कराई जा सकती हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञान क्लब हो गया, गणित क्लब हो गया, कविता का आयोजन हो गया, भाषा, साहित्य, वाद विवाद, संगीत, खेल आदि का आयोजन के लिए, इन सभी के लिए समर्पित क्लब बनाए जा सकते हैं, इन सभी से रिलेटेड कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है और इन सभी कार्यक्रमों या क्लबों के लिए फाइनेंस या वित्त की व्यवस्था जो है इंस्टीट्यूशन के द्वारा, संस्थान के द्वारा किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से विषय आधारित क्लब और गतिविधियों जैसे कि विज्ञान, गणित, कविता, भाषा, साहित्य, वाद विवाद, संगीत, खेल आदि के लिए समर्पित क्लब और कार्यक्रम के आयोजन के लिए अवसर प्रदान करना और साथ ही साथ वित्त की व्यवस्था करके जो है कोई भी संस्थान जो है छात्रों को एकेडमिक और सोशल, दैट इज शैक्षणिक और सामाजिक दोनों क्षेत्र में सहयोग प्रदान कर सकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समय के साथ साथ जब इन गतिविधियों के लिए छात्रों की मांग व संकाय की दक्षता हासिल हो जाए तो इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, संकाय में इस स्तर का प्रशिक्षण व क्षमता होनी चाहिए कि वे न केवल शिक्षक के रूप में अपितु संरक्षक व मार्गदर्शक के रूप में भी छात्रों से जुड़ सकें। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात कही गई प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले इंग्लिश में देख लेते हैं कि ओवर टाइम सच एक्टिविटीज कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द करिकुलम वंस एप्रोप्रिएट फैकल्टी एक्सपर्टाइज एंड कैंपस स्टूडेंट्स डिमांड इज डेवलप्ड। फैकल्टी विल हैव द कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग टू बी एबल टू अप्रोच स्टूडेंट्स नॉट जस्ट एज अ टीचर्स इन द क्लासरूम बट आल्सो एज मेंटर्स एंड गाइड्स। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या उच्चतर शिक्षा के लिए कहा गया है कि जिन गतिविधियों को, जिन जैसे क्लब्स को, कार्यक्रम को हम जो है स्टार्ट करेंगे, उसका आयोजन करेंगे, तो जब इन गतिविधियों के लिए छात्रों की मांग व हमारे जो भी फैकल्टीज हैं उनकी दक्षता, उन वो दक्ष हो जाएंगे, छात्रों की मांग बढ़ जाएगी, तब हम क्या करेंगे, इन कार्यक्रमों को, इन गतिविधियों को अपने करिकुलम या पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। कहा गया है कि ओवर टाइम सच एक्टिविटीज कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द करिकुलम वंस एप्रोप्रिएट फैकल्टी एक्सपर्टाइज इन कैंपस स्टूडेंट्स डिमांड इज डेवलप्ड। तो वो बातें हैं कि जो हमारे संकाय हैं, जो हमारे फैकल्टीज हैं, वो क्या हो जाएं, एक्सपर्ट्स हो जाएं, तो फैकल्टी एक्सपर्टाइज हो जाएं, एक्सपर्ट्स हो जाएं, और साथ साथ जो छात्रों की मांग है, स्टूडेंट्स की जब डिमांड है, जब मांग बढ़ जाए, स्टूडेंट्स की जब डिमांड होने लगे उन कार्यक्रमों की, तब हम ऐसे कार्यक्रमों को अपने करिकुलम में, पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। वी कैन इनकॉर्पोरेट द प्रोग्राम्स इन द करिकुलम। और प्रिय विद्यार्थियों, एक और बड़ी बात कही गई है कि संकाय में इस स्तर का प्रशिक्षण व क्षमता होनी चाहिए कि वे न केवल शिक्षक के रूप में अपितु संरक्षक व मार्गदर्शक के रूप में छात्रों से जुड़ सकें। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी फैकल्टीज हैं, जो संकाय हैं, उनके लिए कहा गया है
कि जो हमारे संकाय जो हमारे फैकल्टीज हैं उनके अंतर वे कैपेसिटीज होनी चाहिए, वे क्षमताएं होनी चाहिए, वे उसके लिए प्रशिक्षित होने चाहिए कि जो शिक्षक है वो सिर्फ शिक्षक ना रहे बल्कि क्या हो, संरक्षक हो और मार्गदर्शक के रूप में भी छात्रों से जुड़ा रहे। अर्थात जो हमारे फैकल्टीज हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स जो है ना हो, क्लासरूम में टीचर्स ना हो बल्कि क्या हो, वे मेंटर्स का भी कार्य कर सकें और साथ साथ गाइड्स का भी कार्य कर सकें। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से दो बातें कही गई हैं कि जिन गतिविधियों को, जिन कार्यक्रमों को हम लागू करेंगे छात्रों के सोशल और एकेडमिक सपोर्ट के लिए, जब उनकी डिमांड बढ़ जाए और साथ ही साथ जब जो हमारे फैकल्टीज हैं, जो हमारे संकाय हैं, वे एक्सपर्ट्स हो जाएं उन प्रोग्रामों में, उन कार्यक्रमों में, उन गतिविधियों में, तब ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसे गतिविधियों को हम करिकुलम में जोड़ सकते हैं, करिकुलम में सम्मिलित कर सकते हैं। और दूसरी बात कही गई कि जो हमारे फैकल्टीज हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनको इस तरह लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और साथ साथ उनमें जो है ऐसी क्षमताएं होनी चाहिए कि वे सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के रूप में या क्लासरूम टीचिंग ही ना करें बल्कि वे छात्रों से एक संरक्षक के रूप में और छात्रों के एक मार्गदर्शक के रूप में भी छात्रों से जुड़ सकें। तो फैकल्टी विल हैव द कैपेसिटी एंड ट्रेनिंग टू बी एबल टू अप्रोच स्टूडेंट्स नॉट जस्ट एज टीचर्स इन द क्लासरूम बट आल्सो एज मेंटर्स एंड गाइड्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो अगली बात कही गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, वो ये कही गई है, द थर्ड वन, तीसरा, कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। तो फिर विद्यार्थियों, तो स्पष्ट है, हम सभी लोग जान रहे हैं कि स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स रिक्वायर पार्टिकुलर इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू मेक द ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह बात कहा गया है कि ऐसे छात्र जो क्या है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हैं, अर्थात जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स के छात्र हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्र हैं, वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हैं, ऐसे छात्रों को प्रिय विद्यार्थियों उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता की आवश्यकता होती है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस विशेष प्रोत्साहन और सहायता को प्रदान करने का प्रयास किया गया है। ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिससे कि छात्रों को विशेष प्रोत्साहन और सहायता मिल सके। कहा गया है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू मेक द ट्रांजिशन टू हायर एजुकेशन सक्सेसफुली प्रोवाइडिंग। प्रिय विद्यार्थियों, पार्टिकुलर इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट क्या होगा इसके बारे में भी जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे क्या है वो। इसके लिए कहा गया है कि इसके लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ इसे प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त धन और शैक्षणिक संसाधन दिए जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि प्रोवाइडिंग एक्सेस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, कंटिन्यूअस सपोर्ट मस्ट आल्सो बी प्रोवाइडेड, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल दस बी रिक्वायर्ड टू सेट अप हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर्स एंड विल बी गिवन एडिक्वेट फंड्स एंड एकेडमिक रिसोर्सेज टू कैरी दिस आउट इफेक्टली। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने जैसा कि बात किया कि जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं उनको उच्चतर शिक्षा तक सफलतापूर्वक रूप से पहुंचाने के लिए जो विशेष प्रोत्साहन और सहायता की बात की गई है, वो विशेष प्रोत्साहन और सहायता के लिए कहा गया कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने होंगे। प्रोवाइडिंग उन्होंने कहा कि सिर्फ एक्सेस ही नहीं, प्रोवाइडिंग एक्सेस इज द ओनली फर्स्ट स्टेप, ये जो है प्रथम स्टेप है, पहला पद है, पहला चरण है। कंटिन्यूअस सपोर्ट मस्ट आल्सो बी प्रोवाइडेड, ऐसे छात्रों को जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड से आते हैं, ऐसे छात्रों को एक्सेस के साथ साथ कंटिन्यूअस सपोर्ट की भी आवश्यकता होगी, सतत सहायता की, सतत मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस विल दस बी रिक्वायर्ड टू सेटअप हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर्स, अर्थात उन्हें उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने पड़ेंगे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को, जिससे कि
वे जो है जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकग्राउंड के छात्र आ रहे हैं, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हों, ऐसे छात्रों को नियमित रूप से सहायता प्रदान की जा सके। एंड विल बी गिवन एडिक्वेट फंड्स एंड एकेडमिक रिसोर्सेज टू कैरी दिस आउट इफेक्टिवली। और अपने विद्यार्थियों, यह भी कहा गया है कि इसको इफेक्टिवली लागू करने के लिए, इसको प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए पर्याप्त धन और शैक्षिक संसाधन भी मुहैया कराया जाएगा। अर्थात पर्याप्त धन, एडिक्वेट फंड्स एंड एकेडमिक रिसोर्सेज, शैक्षिक संसाधन भी जो है इन उच्चतर शिक्षण संस्थानों को, अर्थात महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाएगा, उत्तम संसाधन दिए जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह स्पष्ट है कि जो एकेडमिकली, जो है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के छात्र हैं, प्रिय विद्यार्थियों, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्र हैं, ऐसे छात्रों के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों को एक उच्चतर गुणवत्ता वाले सहायता केंद्र स्थापित करने होंगे, जिससे कि उनको नियमित रूप से जो है सहायता प्रदान की जाए और इसके लिए इन संस्थानों को पर्याप्त धन और शैक्षिक संसाधन प्रदान किए जाएंगे। आगे कहा गया प्रिय विद्यार्थियों कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक, एकेडमिक और कैरियर परामर्श उपलब्ध होगा, साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भी परामर्शदाता होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कहा गया कि देयर विल बी प्रोफेशनल एकेडमिक एंड कैरियर काउंसलिंग अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स एज वेल एज काउंसलर्स टू इंश्योर फिजिकल, कॉग्निटिव और मेंटल एंड इमोशनल वेल बीइंग। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, कहा गया कि सभी छात्रों के लिए व्यावसायिक, एकेडमिक और कैरियर परामर्श उपलब्ध होगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, व्यावसायिक, एकेडमिक और कैरियर परामर्श की बात की जा रही है कि सभी छात्रों के लिए प्रोफेशनल, एकेडमिक और कैरियर काउंसलिंग अवेलेबल होगा, उपलब्ध होगा और साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को भी सुनिश्चित किया जाएगा, एज वेल एज काउंसलर्स टू इंश्योर फिजिकल, कॉग्निटिव और मेंटल। प्रिय विद्यार्थियों, कॉग्निटिव और मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, तो फिजिकल, कॉग्निटिव और मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए भी काउंसलर्स लगे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट है कि व्यवसायिक क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में और साथ ही साथ कैरियर के क्षेत्र में छात्रों को, सभी छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए काउंसलिंग की सुविधा होगी। सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में परामर्श की सुविधा उपलब्ध होगी और साथ ही साथ उनके शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण के लिए भी परामर्शदाता सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में होंगे आने वाले समय में, यदि नई शिक्षा नीति 2020 का सही ढंग से अनुपालन किया जाता है। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, द फोर्थ वन, कहा गया है को ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये पॉइंट जो है वो ओपन डिस्टेंस एंड लर्निंग से है। कहा गया है द फोर्थ, द ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड अ नेचुरल पाथ टू इंक्रीज एक्सेस टू हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एक्सेस की बात है, जो पहुंच की बात है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो उच्चतर शिक्षा है या हायर एजुकेशन है, उसकी पहुंच जो है हमारे देश के सभी छात्रों तक नहीं हो पा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें हम लोगों ने जो है पिछली कक्षा में बात भी किया था कि जो एक्सेस है उसको 50% करने का लक्ष्य जो है नई शिक्षा नीति में रखा गया है। तो उसके लिए कहा गया कि ओडीएल और ऑनलाइन शिक्षा जो है, अर्थात ओपन डिस्टेंस लर्निंग, जिसको हम लोग जो है मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, तो ओपन डिस्टेंस लर्निंग और साथ साथ जो ऑनलाइन एजुकेशन है, प्रिय विद्यार्थियों, ओडीएल एंड ऑनलाइन एजुकेशन गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। दैट इज ODL एंड ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड ए नेचुरल पाथ टू इंक्रीज एक्सेस टू हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हाई क्वालिटी हायर एजुकेशन की पहुंच को बढ़ाने के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन जो है एक प्राकृतिक मार्ग या नेचुरल पाथ प्रदान कर रहा है। तब क्या करना होगा कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन की जो क्षमता है, प्रिय विद्यार्थियों, इसका अधिक से अधिक प्रयोग करने के बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है। प्रिय विद्यार्थी, इसमें कहा गया कि इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ओडीएल को विस्तार की दिशा में ठोस साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा, साथ ही साथ इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इन ऑर्डर टू लेवरेज
its potential completely, ODL will be renewed through concerted evidence-based efforts towards expansion while ensuring adherence to clearly articulated standards of क्वालिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन जो है ये जो है हमको क्या करे एक नेचुरल पाथ प्रदान कर रहा है, एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान कर रहा है कि हम उच्चतर या गुणवत्ता क्वालिटेटिव या गुणवत्ता परक जो है हायर एजुकेशन की पहुँच जो है अधिक से अधिक छात्रों तक कर सकें। तो इसके लिए कहा गया है कि जो हमारा ओपन डिस्टेंस लर्निंग है इसको जो है हमें नवीनीकृत करना पड़ेगा। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए ODL को विस्तार की दिशा में ठोस साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा। इन ऑर्डर टू लिवरेज इट्स पोटेंशियल कंप्लीटली ODL विल बी रिन्यूड, ध्यान दीजिएगा ODL विल बी रिन्यूड थ्रू कंसर्टेड इविडेंस बेस्ड एफोर्ट्स टुवार्ड्स एक्सपेंशन। तो ठोस साक्ष्य आधारित प्रयासों के माध्यम से नवीनीकृत किया जाएगा, विस्तृत किया जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, और साथ ही साथ इसके लिए निर्धारित स्पष्ट मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अर्थात जो भी प्रिय विद्यार्थियों स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं तो इन सभी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया जाएगा। कहा गया कि वाइल इंश्योरिंग द एडहेरेंस टू क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, अर्थात हायर एजुकेशन की गुणवत्ता के लिए, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो भी मानक निर्धारित किए गए हैं उन मानकों का, उन स्पष्ट मानकों का पालन ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन में किया जाएगा। उन मानकों का पालन जो है सुनिश्चित किया जाएगा और इसके द्वारा जो है ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा उच्च गुणवत्तापूर्वक उच्चतर शिक्षा की पहुंच जो है अधिक से अधिक छात्रों तक करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बारे में कहा गया प्रिय विद्यार्थियों कि ODL कार्यक्रम उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के बराबर होने का लक्ष्य रखेंगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों हम सभी लोग जानते हैं कि कभी कभी ओपन डिस्टेंस लर्निंग या जो मुक्त दूरस्थ शिक्षा है इसके बारे में कुछ लोग जो है कहते हैं कि ये जो है इन क्लासरूम या ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग जो है उसके समान या समकक्ष नहीं है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ODL कार्यक्रम उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के बराबर होने का लक्ष्य रखेंगे। ODL प्रोग्राम्स विल एम टू बी इक्वेलेंट टू द हाइएस्ट क्वालिटी इन क्लास प्रोग्राम्स अवेलेबल। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कहा गया है कि जो इन क्लास प्रोग्राम्स होते हैं अर्थात जो रेगुलर मोड के कार्यक्रम हैं इन रेगुलर मोड के कार्यक्रम है इन क्लास प्रोग्राम्स के बराबर ही जो है गुणवत्ता ODL प्रोग्राम्स का होगा। ODL कार्यक्रम उच्चतम गुणवत्ता वाले इन क्लास कार्यक्रमों के बराबर होने का लक्ष्य रखेंगे। ODL प्रोग्राम्स विल एम टू बी इक्वेलेंट, ध्यान दीजिएगा कि इक्वेलेंट होगा जो इन क्लास प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस तरह से ODL प्रोग्राम्स और इन क्लास प्रोग्राम दोनों क्या होंगे, इक्वेलेंट होंगे, समान गुणवत्ता वाले होंगे। यही लक्ष्य रख करके ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को नवीनीकृत करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ODL के प्रणालीगत विकास, विनियमन और मान्यता के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे और ODL की गुणवत्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जो कि सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुशंसित की जाएगी। नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ ODL विल बी प्रिपेयर्ड एंड अ फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी ऑफ ODL दैट विल बी रिकमेंडेटरी फॉर ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विल बी डेवलप्ड। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जब हम सभी लोग मुक्त और दूरस्थ शिक्षा दैट इज ओपन डिस्टेंस लर्निंग के नवीनीकरण की बात कर रहे हैं, उसके एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं और मानकों की बात कर रहे हैं तो उसके संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि ODL के प्रणालीगत विकास, विनियमन और मान्यता के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर सिस्टमैटिक डेवलपमेंट रेगुलेशन एंड एक्रेडिटेशन ऑफ ODL विल बी प्रिपेयर्ड, अर्थात नॉर्म्स बनाए जाएंगे ODL के लिए प्रिय विद्यार्थियों, नॉर्म्स बनाए जाएंगे अर्थात मानदंड बनाए जाएंगे, मानक बनाए जाएंगे और दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस विल बी डेवलप्ड। और प्रिय विद्यार्थियों कहा गया है कि ODL की गुणवत्ता के लिए एक रूपरेखा तैयार की जाएगी जो कि सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुशंसित की जाएगी, अर्थात एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जो कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग की क्वालिटी को क्या करे, उच्च गुणवत्ता वाला करे,
ओडी ओपन डिस्टेंस लर्निंग की गुणवत्ता को निखारने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क या रूपरेखा तैयार की जाएगी और जो कि सभी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुशंसित की जाएगी। दैट विल बी रिकमेंडेटरी फॉर ऑल हायर एजुकेशन विल बी डेवलप्ड। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अंत में सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रम, पाठचर्या, विषयों में शिक्षणविद, इन क्लास, ऑनलाइन, ओपन डिस्टेंस लर्निंग और छात्रों को समर्थन जैसे सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य होगा कि वे गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाएं। फाइनली ऑल प्रोग्राम्स, कोर्सेज, करिकुला एंड पेडागोजी अक्रॉस सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन क्लास, ऑनलाइन एंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड्स एज वेल एज डिस्टेंस सपोर्ट विल एम टू अचीव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी बातें न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हायर एजुकेशन को लेकर के कही जा रही हैं, सभी कार्यक्रमों, पाठ्यक्रमों, पाठचर्या, विषयों, शिक्षण विधि, इन क्लासरूम, ओपन क्लास, ऑनलाइन, ओपन डिस्टेंस लर्निंग या छात्रों के समर्थन के बारे में जितनी सब बातें कही जा रही हैं, सबका उद्देश्य यही है कि सभी कार्यक्रमों का लक्ष्य ये होगा कि गुणवत्ता के वैश्विक मानकों को प्राप्त किया जाएगा। विल एम टू अचीव ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, अर्थात जो हायर एजुकेशन की क्वालिटी है वो क्या हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हो, उच्च गुणवत्ता प्रक हो, वैश्विक मानकों को प्राप्त कर पाए। तो प्रिय विद्यार्थियों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का यह उद्देश्य है कि हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति को विकसित करें, एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को विकसित करें जिससे कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा के कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रमों का जो गुणवत्ता हो क्या हो, वैश्विक मानकों को प्राप्त कर सके, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की क्वालिटी का हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली बात कही गई है इंटरनेशनलाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीयकरण से, और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त वर्णित विभिन्न पहलों से भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या भी बढ़ेगी और यह भारत में रह रहे उन छात्रों को ऐसे और अवसर दिलाएगी जो विदेशों के संस्थानों में शोध करने, क्रेडिट स्थानांतरित करने या इससे बाहर शोध करने की इच्छा रखते हैं, और यही सब अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भारत में भी संभव है। द वेरियस इनिशिएटिव्स मेंशनड अबव विल आल्सो हेल्प इन हैविंग लार्जर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया एंड प्रोवाइड ग्रेटर मोबिलिटी टू स्टूडेंट्स इन इंडिया हु मे विश टू विजिट, स्टडी एट, ट्रांसफर क्रेडिट्स टू और कैरी आउट रिसर्च एट इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड एंड वाइस वर्सा। प्रिय विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइजेशन से रिलेटेड जो बातें कही गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें कहा गया है कि ऊपर हम सभी लोगों ने, चाहे करिकुलम की बात हो, पेडागोजी की बात हो, असेसमेंट की बात हो, ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात हो या ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो, जितने भी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की, सभी पहलुओं का जो उद्देश्य होगा यदि उसमें क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो जाता है, गुणवत्तापूर्ण सुधार होगा, उसका स्टैंडर्ड्स जो है ग्लोबल होगा, वैश्विक होगा, तब भारत में पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है भारत में अध्ययन करेंगे, भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की एक बहुत बड़ी संख्या अध्ययन करेगी, और इससे क्या होगा कि भारत में रह रहे उन छात्रों के एक ऐसे अवसर मिलेंगे जो विदेशों के विदेश या फॉरेन में जो है रिसर्च करना चाहते हैं, क्रेडिट स्थानांतरित करना चाहते हैं, बाहर जाकर के शोध का कार्य करना चाहते हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको अवसर मिलेगा कि वो दूसरे देशों में जा सकें, और साथ ही साथ जो फॉरेन के, विदेश के अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनके लिए भी हमारे देश में संभावना रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी भारत में भी स्टडी कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं, क्रेडिट स्थानांतरित कर सकते हैं। द वेरियस इंस्टीट्यूट मेंशनड अबव विल बी हेल्प इन हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन इंडिया, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की लंबी संख्या, बड़ी संख्या की वृद्धि होगी जो भारत में प्रवेश लेंगे, और साथ साथ एंड प्रोवाइड ग्रेटर मोबिलिटी टू स्टूडेंट्स इन इंडिया हु मे विश टू विजिट, स्टडी एंड ट्रांसफर क्रेडिट और कैरी आउट रिसर्च एट इंस्टीट्यूशन अब्रॉड एंड वाइस वर्सा, अर्थात भारत के छात्रों को भी यह अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा कि वो विदेश के संस्थानों में जाकर के शोध कर सकें, क्रेडिट स्थानांतरित कर सकें, वहाँ पर अध्ययन कर सकें, और यही जो है जो मौका है, ये अवसर जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भी मिलेगा कि वे भारत में भी आकर के अध्ययन कर सकें, क्रेडिट स्थानांतरित कर सकें या रिसर्च का कार्य कर सकें। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडोलॉजी, भारतीय भाषाओं, आयुष चिकित्सा पद्धति, योग, कला, संगीत, इतिहास, संस्कृत और आधुनिक भारत जैसे विषयों में पाठ्यक्रम और कार्यक्रम, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम,
सामाजिक जुड़ाव, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएं, कैंपस में सीखने के लिए सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने और देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीयकरण या इंटरनेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इस हेतु कहा गया है कि जो विभिन्न विषय हैं, जैसे इंडोलॉजी हो गई या भारतीय भाषाओं का अध्ययन हो गया, आयुष चिकित्सा पद्धति हो गया, योग हो गया, कला हो गया, संगीत हो गया, या इतिहास, संस्कृत और आधुनिक भारत, ऐसे जो पाठ्यक्रम विद्यार्थियों, इन विषयों के पाठ्यक्रम और कार्यक्रमों में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और इससे परे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सामाजिक जुड़वा, गुणवत्ता आधारित आवासीय सुविधाएं, कैंपस में सीखने के लिए सार्थक अवसर आदि को वैश्विक गुणवत्ता मानकों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विकसित किया जाएगा। अर्थात जो वैश्विक गुणवत्ता है विद्यार्थियों, उस वैश्विक गुणवत्ता को प्राप्त करने का या वैश्विक गुणवत्ता के मानकों को लेकर के विभिन्न विषयों का विकास, विभिन्न पाठ्यक्रमों का विकास और विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे कि हमारे देश में अधिक से अधिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो है आ सकें, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अधिक संख्या को आकर्षित करने और देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ावा दिया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए, शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, प्रवेश करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही साथ देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, इंग्लिश में कहा गया है कि कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स इन सब्जेक्ट्स सच एज इंडोलॉजी, इंडियन लैंग्वेजेस, योगा, आर्ट्स, म्यूजिक, हिस्ट्री, कल्चर एंड मॉडर्न इंडिया, इंटरनेशनली रिलेवेंट करिकुला इन द साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड बियॉन्ड, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज फॉर सोशल एंगेजमेंट, क्वालिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज एंड ऑन कैंपस सपोर्ट, इटसी विल बी फोस्टर्ड, ध्यान दीजिएगा, इटसी विल बी फोस्टर्ड टू अटेन दिस गोल ऑफ ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अर्थात जो स्टैंडर्ड्स हैं इन कार्यक्रमों का, इन सुविधाओं का, इन सपोर्ट का, वो क्या होगा, ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होगा, टू अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड अचीव द गोल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन एट होम। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लक्ष्य होगा नई शिक्षा नीति में कहा गया कि इंटरनेशनल या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की हम प्रोग्राम बनाएंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का हमारा जो है स्टूडेंट सपोर्ट होगा, सपोर्ट सर्विसेज होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिससे कि हम जो है अधिक से अधिक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सके अपने यहाँ और इंटरनेशनलाइजेशन का जो लक्ष्य है, अंतर्राष्ट्रीयकरण का जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त किया जा सके। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात कही गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत ही महत्वपूर्ण, कहा गया है कि भारत को वहनी लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि इसे विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिलेगी। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इंडिया विल बी प्रमोटेड एज ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, देयर बाई हेल्पिंग टू रिस्टोर इट्स रोल ऑफ विश्व गुरु। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में सुना होगा, तभी यह सुना होगा कि इसका लक्ष्य क्या है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, भारत को विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विकास किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को विकसित किया गया, डेवलप्ड किया गया है, इस नीति को बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत को वहनी लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में जब हम लोगों ने सुना था, तभी यह देखा था कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कि इंडिया विल बी प्रमोटेड एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। तो ध्यान दीजिएगा कि अफोर्डेबल कॉस्ट की बात की गई है, अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, वहनी लागत की बात की गई, अर्थात जो कॉस्ट होगा एजुकेशन का, जो स्टडी का कॉस्ट होगा, जो शिक्षा का कॉस्ट होगा, वो क्या होगा, अफोर्डेबल कॉस्ट होगा और साथ ही साथ क्वालिटेटिव एजुकेशन हम प्रदान करेंगे। इंडिया विल बी प्रमोटेड एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, अर्थात उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में भारत को विकसित किया जाएगा, जहां पर कि
विश्व के अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो है, विश्व के सभी देशों के छात्र जो है वहनी लागत पर अफोर्डेबल कॉस्ट पर यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि विश्व गुरु के रूप में अपनी भूमिका को बहाल करने में मदद मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें क्या करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका उद्देश्य क्या है कि विश्व गुरु के रूप में जो हमारे देश की भूमिका है, भारत की भूमिका, उसको बहाल करने के उद्देश्य को लेकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विकसित की गई है, बनाई गई है। तो देयर बाई हेल्पिंग टू रिस्टोर इट्स रोल ऑफ विश्व गुरु। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में या वैदिक काल में जो है भारत क्या था, विश्व गुरु था। तो जो विश्व गुरु का जो इसकी भूमिका रही है पूर्व से, प्राचीन काल से, उस विश्व गुरु की भूमिका को फिर से बहाल करने का प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। और इसमें कहा गया है कि भारत में वहनी लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान करने वाले वैश्विक अध्ययन के गंतव्य के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, अर्थात जो हमारा इंडिया होगा वो इंटरनेशनल स्टडी या ग्लोबल स्टडी का सेंटर्स होगा, ग्लोबल स्टडी का डेस्टिनेशन होगा, जहां पर विश्व के सभी देशों से छात्र यहां आकर के अफोर्डेबल कॉस्ट में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। और इस तरह से फिर से हमारा देश क्या है, विश्व गुरु बन करके उभरेगा। प्रिय विद्यार्थियों, विदेशों से आने वाले छात्रों के स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा। एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस एट ईच हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स विल बी सेटअप टू कोऑर्डिनेट ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू वेलकमिंग एंड सपोर्टिंग स्टूडेंट्स अराइविंग फ्रॉम अब्रॉड। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में, जो उच्चतर शिक्षण संस्थान है, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस की बात की जा रही है कि एक जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस बनाया जाएगा, जो कि जो इंटरनेशनल छात्र हैं, जो फॉरेनर हैं, फॉरेन के छात्र हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनका जो है वेलकम करेगा, सपोर्ट करेगा उनके अराइविंग विद्यार्थियों, अर्थात उनका जो वेलकमिंग करने के लिए, उनका स्वागत और समर्थन करने के लिए, और स्वागत और समर्थन संबंधित सभी मामलों को कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वित करने के लिए, विदेशी छात्रों की मेजबानी करने के लिए प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस की स्थापना की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अट्रैक्ट करना है, उनको जो है ग्लोबल इंटरनेशनल छात्रों को अट्रैक्ट करना हमारे देश में, और साथ ही साथ उनको सुविधा मुहैया करना, उनके स्वागत और समर्थन की व्यवस्था करना, स्वागत और समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय या जिसको हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस कह रहे हैं, इसकी स्थापना की जाएगी। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से विश्व गुरु बनने के लिए जो है हमारा जो देश है, हमारे देश को फिर से विश्व गुरु की भूमिका को दिलाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कई नीतियां बनाई गई हैं। उन नीतियों में जो है एक यह भी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस की स्थापना की जाएगी, जो जो विदेशी छात्र हैं उन विदेशी छात्रों के स्वागत समर्थन से संबंधित सभी मामलों को समन्वित करने के लिए मदद करेंगे, विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाले प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान, शिक्षण सहयोग और संकाय, छात्र आदान प्रदान की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ ही साथ विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रिसर्च टीचिंग कोलेबोरेशन एंड फैकल्टी स्टूडेंट्स एक्सचेंजेस विद हाई क्वालिटी फॉरेन इंस्टीट्यूशन विल बी फैसिलिटेटेड एंड रिलेवेंट म्यूचुअली बेनिफिशियल MOUs, that is memorandum of understanding, जिसको हम लोग कहते हैं, with foreign countries will be signed. तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान या शिक्षण सहयोग और संकाय, छात्र आदान प्रदान की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ साथ विदेशों के साथ प्रासंगिक पारस्परिक रूप से लाभप्रद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से रिसर्च टीचिंग कोलेबोरेशन और फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए जो विदेश के हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन हैं, फॉरेन के जो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है, प्रिय विद्यार्थियों, जो उच्च गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थान हैं, उन संस्थानों के साथ जो है
हमारे यहाँ की संकाय या फैकल्टी जो है या छात्रों के या शिक्षण सहयोग या रिसर्च के लिए आदान प्रदान अर्थात एक्सचेंज के बारे में जो है उनके साथ संबंध स्थापित किया जाएगा, कोलेबोरेशन किया जाएगा और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों रिलेवेंट म्यूचुअली बेनिफिशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU को भी साइन किया जाएगा विदेशी संस्थानों के साथ, विदेशी देशों के संस्थानों के साथ, जिससे कि हमारे देश के जो छात्र हैं, जो फैकल्टीज हैं, वे अनुसंधान में या शिक्षण सहयोग में जो है या फिर जो है शिक्षण सहयोग संकायों या छात्रों के आदान प्रदान में रिसर्च के क्षेत्र में जो है एक दूसरे का सहयोग कर सकें। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से उच्चतर गुणवत्ता वाले विदेशी संस्थानों के साथ रिसर्च के लिए या फिर शिक्षण सहयोग के लिए या संकाय और छात्रों को आदान प्रदान की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया जाएगा, हस्ताक्षर किया जाएगा और इसको जो है विदेशों के साथ प्रासंगिक रूप से जो है जो लाभप्रद MOU है उस पर साइन करके इसको बढ़ावा दिया जाएगा कि आने वाले समय में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उच्चतर शिक्षा संस्थान हैं, वे विदेशी संस्थानों के साथ जो है अपना संबंध स्थापित कर सकें, जिससे कि वे रिसर्च के फील्ड में एक दूसरे की सहयोग कर सकें, शिक्षण सहयोग या संकाय और छात्रों के आदान प्रदान कर सकें विदेशी संस्थानों के साथ, अर्थात विदेश के छात्र जो है हमारे देश में आ सकें और हमारे देश के छात्र जो है विदेशी संस्थानों में जा सकें। आगे कहा गया विद्यार्थियों को उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी तरह से चुनिंदा विश्वविद्यालयों जैसे दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से कुछ विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी इनकरेज्ड टू सेट अप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज एंड सिमिलरली सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज एग्जाम्पल दोज फ्रॉम अमॉन्ग द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड विल बी परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप ध्यान दीजिए कि दो बड़ी बातें कही जा रही हैं कि हमारे देश के ऐसे विश्वविद्यालय जो कि गुणवत्ता परक है, जिनका प्रदर्शन अच्छा है, जो उच्चतर प्रदर्शन वाले हैं, हाई परफॉर्मिंग वाले इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज को, ऐसे विश्वविद्यालयों को विदेशों में अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने के लिए, परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसी तर्ज पर जो विदेश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो चुनिंदा विश्वविद्यालय हैं, जो दुनिया के शीर्ष 100 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में आते हैं, उन विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। तो फिर विद्यार्थी इस तरह से दो बातें हैं कि जो इंडिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज होंगी, भारत की जो उच्चतर प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालय होंगे, ऐसे विश्वविद्यालयों को विदेशों में अपने कैंपस को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसी तरह जो विदेश के टॉप 100 के यूनिवर्सिटीज होंगे, प्रिय विद्यार्थियों, जो टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज होंगे, ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। हाई परफॉर्मिंग इंडियन यूनिवर्सिटीज विल बी इनकरेज टू सेट अप कैंपसेस इन अदर कंट्रीज, अर्थात विदेशों में भी भारत के जो उच्चतर प्रदर्शन करने वाले या उच्च गुणवत्ता परक या हाई रैंकिंग वाले इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, वे कैंपस विदेशों में स्थापित कर सकते हैं और उसी प्रकार से जो सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज हैं विश्व के, वे दे विल बी परमिटेड टू ऑपरेट इन इंडिया, वे भी भारत में जो है अपने कैंपस स्थापित कर सकते हैं, भारत में अपने कोर्स संचालित करने के लिए उनको भी मोटिवेट किया जाएगा, उनको अनुमति दी जाएगी चुनिंदा विश्वविद्यालयों को। प्रिय विद्यार्थी चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर पर कुछ उदारता बरती जाएगी। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फैसिलिटेटिंग सच एंट्री विल बी पुट इन प्लेस एंड सच यूनिवर्सिटीज विल बी गिवन स्पेशल डिस्पेंशन रिगार्डिंग रेगुलेटरी गवर्नेंस एंड कंटेंट नॉर्म्स ऑन पार विद अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो हम बात कर रहे हैं कि टॉप रैंक के जो इंडियन यूनिवर्सिटीज होंगी वो विदेशों में अपनी कैंपस को स्थापित कर सकते हैं, इसी तरह जो विदेश के टॉप 100 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज या टॉप 100 जो रैंकिंग की यूनिवर्सिटीज होंगी अंतर्राष्ट्रीय, वे भारत में जो है अपने कैंपस स्थापित कर सकते हैं, भारत में अपने कोर्स संचालित कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में कहा गया है कि इस तरह की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए एक वैधानिक फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा और साथ ही साथ ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों की तुलना में नियमों, शासन और मानदंडों के स्तर में कुछ उदारता बरती जाएगी। अर्थात ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय जब भारत में अपने
संस्थान स्थापित करेंगे, अपने कैंपस स्थापित करेंगे, तो ऐसे यूनिवर्सिटीज को इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन है उनके मुकाबले इनको कुछ उदारता बरती जाएगी। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फैसिलिटिंग सच एंट्री विल बी पुट इन अ प्लेस एंड सच यूनिवर्सिटी विल बी गिवन अ स्पेशल डिस्पेंसेशन। प्रिय विद्यार्थी, स्पेशल डिस्पेंसेशन अर्थात उदारता बरती जाएगी रिगार्डिंग रेगुलेटरी गवर्नेंस इन कंटेंट नॉर्म ऑन पार विद अदर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो प्रिय विद्यार्थी, इस तरह से जो विदेशी संस्थान होंगे, जो ग्लोबल 100 रैंकिंग के जो संस्थान हैं, उन संस्थानों को भारत में जो है अपने कैंपस को स्थापित करने के लिए, यहाँ पे कोर्स चलाने के लिए कुछ रियायत भी दी जाएगी, उनको स्पेशल डिस्पेंसेशन भी दिया जाएगा रिगार्डिंग रेगुलेटरी गवर्नेंस इन कंटेंट, अर्थात नियमों शासन और मानदंडों के स्तर को बनाने के लिए या स्तर पर उनको कुछ उदारता भी प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग और छात्र आदान प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। फर्दर मोर रिसर्च कोलेबोरेशन एंड स्टेंट एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन विल बी प्रमोटेड थ्रू स्पेशल एफोर्ट। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया कि भारतीय संस्थानों और वैश्विक संस्थानों के बीच रिसर्च के रिलेटेड अनुसंधान सहयोग या छात्र आदान प्रदान को विशेष प्रयासों के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। रिसर्च कोलेबोरेशन एंड स्टूडेंट्स एक्सचेंज बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन विल बी प्रमोटेड थ्रू स्पेशल एफोर्ट। तो जहाँ फैकल्टी एक्सचेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, तो फैकल्टी एक्सचेंज के साथ साथ ही स्टूडेंट एक्सचेंज की भी बात की जा रही है, रिसर्च सहयोग की भी बात की जा रही है, तो इन सभी क्षेत्रों को जो है विशेष प्रयासों के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विदेशी विश्वविद्यालयों में अर्जित किए गए क्रेडिट यहाँ मान्य होंगे और यदि वह उस उच्चतर शिक्षा संस्थान की आवश्यकताओं के अनुसार हैं तो इन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि यहाँ पर बात की जा रही कि ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों के द्वारा जो है यदि आप पढ़ाई करते हैं और वहाँ से कुछ क्रेडिट ग्रहण करते हैं तो ये मान्य होंगे। क्रेडिट्स एक्वायर्ड इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज विल बी परमिटेड फेयर अप्रोप्रिएट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू बी काउंटेड फॉर द अवार्ड ऑफ डिग्री। अर्थात विदेशी विश्वविद्यालयों में जो अर्जित किए गए क्रेडिट होंगे वो यहाँ मान्य होंगे और यदि वह उस उच्चतर शिक्षण संस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, उसके अनुसार हैं, तो उन्हें डिग्री प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जाएगा। तो डिग्री प्रदान करने के लिए भी उसको उन क्रेडिट को मान्य किया जा सकता है यदि जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार है, उन विश्वविद्यालय और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की आवश्यकताओं के अनुसार है तो उस क्रेडिट को भी स्वीकार किया जा सकता है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन। अगली जो बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में की गई है वो कही गई है स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड पार्टिसिपेशन या छात्र गतिविधि और भागीदारी से संबंध में, और इसमें कहा गया है कि छात्र शिक्षा प्रणाली में प्रमुख हितधारक हैं, उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए जीवंत कैंपस आवश्यक हैं। स्टूडेंट्स आर द प्राइम स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। वाइब्रेंट कैंपस लाइफ इज इसेंशियल फॉर हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली का मुखिया कौन है, प्रमुख कौन है, वो छात्र है। छात्र ही शिक्षा प्रणाली का प्रमुख हितधारक होता है और उच्चतर गुणवत्ता युक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के लिए एक जीवंत कैंपस की आवश्यकता होती है, आवश्यक ये भी हम लोग जान रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आर द प्राइम स्टेक होल्डर्स इन द एजुकेशन सिस्टम और साथ ही साथ वाइब्रेंट कैंपस लाइफ अर्थात जीवंत कैंपस इज एसेंशियल फॉर हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग एंड प्रोसेसेस। प्रिय विद्यार्थियों, इस दिशा में छात्रों को खेल, संस्कृत, कला क्लब, पर्यावरण क्लब, गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि में शामिल होने के लिए भरपूर अवसर दिए जाएंगे। टुवार्ड्स दिस इन स्टूडेंट्स विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स कल्चर आर्ट्स क्लब्स एक्टिविटीज क्लब्स कम्युनिटी सर्विसेज प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया था इन सभी के बारे में और कहा भी गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं और एक वाइब्रेंट कैंपस लाइफ की आवश्यकता होती है। तो वाइब्रेंट कैंपस लाइफ के लिए कहा गया है कि खेल, संस्कृत, कला क्लब, पर्यावरण क्लब और गतिविधि क्लब, सामुदायिक सेवा परियोजना आदि को जो है विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और इसके लिए छात्रों को भरपूर अवसर दिए जाएंगे। टुवार्ड्स दिस इन स्टूडेंट्स विल बी गिवन प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बी इन्वॉल्व इन स्पोर्ट्स में, कल्चर या आर्ट्स क्लब में, एक्टिविटी क्लब या कम्युनिटी सर्विसेज के लिए
छात्रों को भरपूर अवसर दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, ऐसे कार्यक्रमों में या ऐसे गतिविधियों में उनको सम्मिलित किया जाएगा, उनको अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने और भावनात्मक तारतम्यता बनाने के लिए काउंसलिंग की भी व्यवस्था होगी। तो प्रिय विद्यार्थी, ये भी एक नई बात है कि इन एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी अ काउंसलिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल एडजस्टमेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थी, हम सभी लोग जानते हैं कि छात्र हैं हमारे, वे कभी कभी जो है इमोशनली अनबैलेंस हो जाते हैं, उनको जो है वे कभी कोई स्ट्रेस में हो जाते हैं। तो उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक शिक्षा संस्थान में तनाव से जूझने और भावनात्मक तारतम्यता को बनाए रखने के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था होगी। अर्थात जो है प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या उच्चतर शिक्षण संस्थान में काउंसलिंग की व्यवस्था होगी, जिससे कि जो छात्र के अंदर तनाव हो या भावनात्मक तारतम्यता को बनाए रखने के लिए उनकी मदद की जा सके। इन एवरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देयर शैल बी ए काउंसलिंग सिस्टम फॉर हैंडलिंग स्ट्रेस एंड इमोशनल एडजस्टमेंट। प्रिय विद्यार्थियों, इमोशनल एडजस्टमेंट के लिए अर्थात भावनात्मक तारतम्यता को बनाए रखने के लिए और जो स्ट्रेस है, तनाव है, उस तनाव को हैंडल करने के लिए, तनाव से जूझने के लिए, तनाव का सामना करने के लिए प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान में काउंसलिंग या परामर्श की व्यवस्था रहेगी, परामर्श की या काउंसलिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें आवश्यकता अनुसार छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाना भी शामिल है। फर्दर मोर, अ सिस्टमैटाइज्ड अरेंजमेंट शैल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड द रिक्विजिट सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग हॉस्टल फैसिलिटीज एज नीडेड। प्रिय विद्यार्थियों, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र होते हैं, इनके लिए जो है कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि इनको अपेक्षित सहायता प्रदान की जाएगी, इनको जो जिन सहायता की आवश्यकता होगी उन सहायता को, उस प्रकार की सहायता को उच्चतर शिक्षण संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी सहायता होगी वो होती है हॉस्टल की रिक्वायरमेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में भी कहा गया है कि आवश्यकता अनुसार छात्रावास की सुविधाएं भी ऐसे छात्रों को प्रदान की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आवश्यकता अनुसार हॉस्टल या छात्रावास की सुविधाएं को बढ़ाना भी सम्मिलित है। फर्दर मोर, सिस्टमेटाइज अरेंजमेंट शैल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड रिक्विजिट सपोर्ट टू स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड्स। तो रूरल बैकग्राउंड से ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए सपोर्ट की व्यवस्था की जाएगी, इंक्लूडिंग इंक्रीजिंग हॉस्टल फैसिलिटीज एज नीडेड। तो प्रिय विद्यार्थियों, हॉस्टल की फैसिलिटी या छात्रावास की जो सुविधा है उसको भी ग्रामीण छात्रों के मद्देनजर उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, उसको भी बढ़ाया जाएगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने संस्थानों में सभी छात्रों के लिए गुणवत्ता पर पूर्ण चिकित्सा सुविधाएं भी सुनिश्चित करेंगे। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर बात की जा रही है मेडिकल फैसिलिटीज की। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल इंश्योर क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन देयर इंस्टीट्यूशन। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जानते होंगे कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है मेडिकल फैसिलिटीज है, तो उसी से रिलेटेड बात यहाँ पे कही गई कि जितने भी उच्चतर शिक्षण संस्थान हैं वे सभी संस्थान अपने यहाँ जो है सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ सुनिश्चित करेंगे, अर्थात क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज अपने सभी छात्रों को प्रदान करेंगे। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान की कि वे अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात कही गई है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स या छात्रों के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कुछ बातें कही गई हैं। उसमें कहा गया सबसे पहली बात कि छात्रों को विभिन्न उपायों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कहा गया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स हु नीड सच फाइनेंशियल सपोर्ट शैल बी मेड अवेलेबल। अर्थात ऐसे छात्र जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता होगी, ऐसे छात्रों को विभिन्न माध्यमों से जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उसमें सबसे बड़ी सहायता क्या हो सकती है विद्यार्थियों, वो हो सकती है स्कॉलरशिप की या वजीफा की। तो उसके बारे में भी कहा गया है, कहा गया है विद्यार्थियों कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। अर्थात जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जा रही है विद्यार्थियों, वित्तीय सहायता की, तो उसके मद्देनजर कहा गया है कि जो अनुसूचित जात या शेड्यूल कास्ट के छात्र हैं, अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब कास्ट के छात्र हैं, या अदर बैकवर्ड या अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र हैं, या जो इकोनॉमिकली
जो वीकेंड सेक्शन के छात्र हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं, विद्यार्थियों जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्र हैं, ऐसे छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा किया गया है। इन छात्रों को, प्रिय विद्यार्थियों, इसके बारे में कहा गया है, इन छात्रों की प्रगति को बढ़ाने, प्रोत्साहित करने और ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कहा गया कि एक पोर्टल बनाया जाएगा जिसको हम कहेंगे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। इस पोर्टल का जो वर्तमान में भी विद्यार्थियों एक स्कॉलरशिप का पोर्टल है, तो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया जाएगा जिससे कि इन छात्रों को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सके और अधिक इनकी मदद या वित्तीय सहायता की जा सके। इसीलिए इसी सीरीज में निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों को महत्वपूर्ण संख्या में फ्री स्टिप और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए एक तो जो हमारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल है उसमें विस्तार किया जाएगा, और उसी के साथ साथ जो प्रिय विद्यार्थियों निजी उच्चतर शिक्षण संस्थान है ऐसे संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपने यहाँ जो वित्तीय रूप से जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं या जो एससी एसटी ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो छात्र हैं, प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे छात्रों को फ्री सिप और छात्रवृत्ति प्रदान करें। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, गवर्नमेंट अपने स्तर से भी जो छात्रों की मदद करेगी और साथ ही साथ जो प्राइवेट या निजी उच्चतर शिक्षण संस्थान हैं ऐसे संस्थानों को भी जो प्रोत्साहित किया जाएगा कि ऐसे छात्रों को फ्री सिप और छात्रवृत्ति प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कि नो स्टूडेंट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इनएबिलिटी। ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ी बात है, जो कि अक्सर होता है कि जो हमारे देश में जो छात्र होते हैं वो पैसे की वजह से, वित्त की वजह से या पैसे की कमी की वजह से हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि नो स्टूडेंट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इनएबिलिटी, अर्थात वित्त के लिए या वित्तीय असमर्थता की वजह से कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा कि जो कि उच्चतर शिक्षा से वंचित हो जाए, अर्थात उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों को जो वित्तीय रूप से कमजोर हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विल बी एक्सपेंडेड टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स हु रिक्वायर फाइनेंशियल सपोर्ट टू अटेंड अ पब्लिक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल रिसीव इट, कवरिंग स्टाइपेंड्स, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एंड नॉट जस्ट वेवर्स ऑफ ट्यूशन फीस। विद्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि हम लोगों ने एक बात किया कि जो हमारा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उसको विकसित किया जाएगा, टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फाइनेंशियल सपोर्ट टू अटेंड ए पब्लिक हायर एजुकेशन विल रिसीव इट, कवरिंग स्टाइपेंड्स, अर्थात ऐसे छात्रों को स्टाइपेंड भी मिलेगा, बोर्डिंग एंड लॉजिंग की भी छूट मिलेगी, अर्थात बोर्डिंग एंड लॉजिंग के लिए भी उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी, और साथ ही साथ उनका जो ट्यूशन फीस है वो भी माफ किया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है वो विकसित किया जाएगा और छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और जैसा कि हम लोगों ने प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया, तो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल ऑफर फ्री सिप एट लीस्ट 1/5 ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड सिग्निफिकेंट स्कॉलरशिप फॉर एट लीस्ट 1/2 ऑफ देयर स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ बड़ी बात कही गई है कि जो प्राइवेट या निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान है उन संस्थान जो है वे जो है कम से कम 1/5 छात्रों को फ्री सिप, अर्थात उनको जो है उनकी जो फीस है वो माफ करेंगे, फ्री सिप की सुविधा उनको प्रदान करेंगे, और साथ साथ सिग्निफिकेंट स्कॉलरशिप फॉर एट लीस्ट 1/2 ऑफ देयर स्टूडेंट्स, और कम से कम अपने यहाँ अध्ययनरत आधे छात्रों को जो है वो स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति भी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में, आज की कक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत जो है पार्ट थर्ड, जो प्रिय विद्यार्थी जो भाग सेकंड है हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा, उससे रिलेटेड जो एक टॉपिक है सीखने का वातावरण और छात्रों का सहयोग, इसको हम सभी लोग प्रिय विद्यार्थियों चर्चा कर रहे थे। इसके बारे में लर्निंग एनवायरनमेंट एंड सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसमें प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने छात्रों की क्या क्या सहायता की जा सकती है या क्या क्या सहायता सरकार के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा की जाएगी, चाहे वो जो है स्कॉलरशिप के क्षेत्र में हो या फिर जो बुनियादी ढांचाएँ हैं या संसाधन प्रदान करने के क्षेत्र में हो, इन सभी से रिलेटेड सभी बातें की गई। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, क्वालिटी एजुकेशन कैसे किया जाए, जो उच्चतर शिक्षा है या उसकी पहुंच को कैसे बढ़ाया जाए, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढांचे में जो रचनात्मक
बदलाव किया जा सकता है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि कैसे रचनात्मक रूप से बदलाव किया जाएगा। और उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने यह भी देखा कि जो शैक्षणिक योजनाएँ हैं या पाठ्यक्रम है उसमें कैसे सुधार किया, इसके करिकुलम में सुधार के बारे में हम लोगों ने बात किया, फिर हम लोगों ने पेडागोजी के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों असेसमेंट या मूल्यांकन के बारे में बात किया, और हम लोगों ने भी कहा कि कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट पर बल देना होगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर हम लोगों ने प्रिय विद्यार्थियों ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात किया कि यह जो है गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने का एक प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है, तो इसको जो है नवीनीकृत किया जाएगा, इसको एक्सपेंड किया जाएगा और इसके जो मानक जो हैं वो निर्धारित किया जाएंगे, और यहाँ की जो गुणवत्ता होगी वो जो रेगुलर क्लासरूम की या रेगुलर इंस्टीट्यूशन की या रेगुलर कोर्सेज की जो गुणवत्ता होती है उसके समान ही होगी। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने अंतर्राष्ट्रीयकरण इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में बात किया कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कैसे आकर्षित किया जाएगा और भारत को फिर से विश्व गुरु कैसे बनाया जाएगा। उसके लिए हम लोगों ने बात किया कि भारत में जो है इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की जाएगी, इंटरनेशनल लेवल की जो विषय हैं उनको जो है बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ जो गुणवत्ता वैश्विक गुणवत्ता वाले मानकों के लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे और उसको प्राप्त किया जाएगा, और देश में अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, और साथ ही साथ भारत में जो है वाहनी लागत पर उच्चतर शिक्षा प्रदान की जाएगी। कहा गया है कि यहाँ पे जो एजुकेशन जो हायर एजुकेशन प्रदान किया जाएगा वो अफोर्डेबल कॉस्ट पर प्रदान किया जाएगा, जिससे कि हम भारत को एक विश्व गुरु की जो भूमिका है उसके रूप में उसको फिर से उसकी भूमिका को स्थापित कर सकें, उसकी भूमिका को बहाल कर सकें। और उसके बाद प्रिय विद्यार्थी, हम लोगों ने ये भी देखा कि जो भारतीय छात्र हैं या भारतीय जो फैकल्टी हैं, संकाय हैं, उनका विदेशी फैकल्टी या विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ एक्सचेंज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, और हम लोगों ने ये भी कहा कि जो भारत के गुणवत्तापूर्ण संस्थान हैं ऐसे संस्थान जो विदेशों में अपने जो है कैंपस खोल सकते हैं, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसी तरह जो है दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की भी अनुमति दी जाएगी। और उसके बाद प्रिय विद्यार्थी, हम सभी लोगों ने स्टूडेंट्स एक्टिविटी और पार्टिसिपेशन, छात्र गतिविधि और भागीदारी के बारे में बात किया। उसमें हम सभी लोगों ने छात्रों के खेल, संस्कृति, पर्यावरण क्लब, गतिविधि क्लब, इन सब के बारे में भी बात किया, छात्रों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था के बारे में बात की, और छात्रों के लिए बेहतर व्यवस्था कैसे बनाई जाएगी इसके बारे में बात किया, कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ की भी बात की, गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बात किया, और अंत में हम सभी लोगों ने छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स के बारे में बात किया, जिसमें हम सभी लोगों ने स्कॉलरशिप के बारे में बात किया, एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने बात किया कि इनको जो हमारा नेशनल पोर्टल है प्रिय विद्यार्थियों, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उसको एक्सपेंड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वे फ्री सिप्स प्रदान करेंगे और साथ साथ स्कॉलरशिप भी प्रदान करेंगे। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुत बड़ी बात कही गई है कि नो स्टूडेंट्स विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हायर एजुकेशन बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इनेबिलिटी, अर्थात आर्थिक कारणों से या वित्तीय कारणों से कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा कि जो कि उच्चतर शिक्षा को प्राप्त ना कर सके। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो पे कमेंट करिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ इस वीडियो पे कमेंट्स करके यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई समस्या या कोई बहुमूल्य सुझाव है तो उसको आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके बहुमूल्य सुझावों पर अनुपालन करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च करके देख पाएँ, अपने स्टडी को आगे बढ़ा पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, यदि लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, दबाने पर कुछ विकल्प आएंगे, ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में से विकल्पों में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे, जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगी,
उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।